हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एसके ऑटो वर्क्स में। फ्रेंड, आज जो मैं आपको बताऊंगा वो है पानी की सहायता से मैं आपको बताने वाला हूं कि असली और नकली इंजन की पहचान किस तरीके से करें। फ्रेंड, ये आप अपने घर पे भी खुद ब खुद कर सकते हो। तो आपको उसके लिए करना क्या है, एक गिलास में पीने वाला जो पानी होता है फ्रेंड, उसको ले लेना है, ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये ले रखा है। उसके बाद जो भी आप इंजन ऑयल डलवाते हो अपने बाइकों में, उसको थोड़े से मात्रा में लेना है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी ग्लास देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें अलग अलग इंजन ऑयल डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन सा इंजन ऑयल नकली था और कौन सा इंजन ऑयल असली था फ्रेंड, ठीक है। तो मैंने इसके लिए चार इंजन ऑयल ले रखा है, जो कि मोटुल है, सर्वो है, कैस्ट्रोल है और लास्ट में जो है वो है HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है फ्रेंड। ये चारों के चारों ब्रांडेड इंजन ऑयल है। नेक्स्ट जो इंजन ऑयल है नकली इंजन ऑयल है, जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसको भी मैं इसमें डालूंगा, उसको आपको दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार से इसका जो कलर है फेड होगा और इनका जो कलर है किस तरीके से फेड होगा फ्रेंड। आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि मालूम हो सके आपको। तो सबसे पहले आप देखोगे जो कि है मोटुल जेन्युइन इंजन ऑयल आता है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप देखोगे फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल ही सील पैक है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें छेद कर दिया है ताकि आपको दिखाने में आसानी हो फ्रेंड। तो यहाँ से आपको छेद करके पहले वाले गिलास में डालना है फ्रेंड, जो कि आप देखोगे फ्रेंड थोड़ा सा आपको डालना है, लगभग आधी ढक्कन फ्रेंड। आधी ढक्कन डालने के बाद आपको पेचकस की सहायता से हल्का से इसे मिला देना है। लगभग फ्रेंड 4 से 5 सेकंड आपको ऐसे ही मिलाना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है फ्रेंड। नेक्स्ट जो अब है फ्रेंड सर्वो की बारी। तो सर्वो में भी सेम मैंने वैसे किया है फ्रेंड, क्योंकि आप अगर आप सोचोगे कि मैंने खाली डब्बा वैसे खोल के लगाया तो वैसा नहीं है, बिल्कुल ही सील पैक था फ्रेंड। इसमें हल्का से छेद किया है, ये आपको कैस्ट्रोल में भी छेद किया मैंने, HP में भी किया है फ्रेंड, ठीक है। तो ये वाला जो सर्वो का है, सर्वो भी हल्का से इसमें डालना है, लगभग आधी ढक्कन, थोड़ी देर वैसे आपको छोड़ देना है मिला के। सेम वैसे आपको 4 से 5 सेकंड मिलाना है फ्रेंड। मिलाने के बाद इसको छोड़ देना है, लगभग ये 5 मिनट के बाद रिजल्ट आएगा फ्रेंड, ठीक है। एकदम से इसका रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट आने पे क्या क्या आपको दिखेगा इस ग्लास में फ्रेंड। बाद फ्रेंड जो नंबर आता है वो है कैस्ट्रोल एक्टिव का, जो कि इसमें फ्रेंड असली भी आता है नकली भी आता है फ्रेंड। ये वाला जो फ्रेंड ऑयल है ये है असली इंजन ऑयल है, ठीक है। मिला के फ्रेंड थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। लास्ट में जो आपका बचता है फ्रेंड HP का हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, सेम वैसे ही आपको इसमें मिला देना है। इसको भी सेम वैसे ही मिला लेना है। जितने भी चारों इंजन ऑयल थे फ्रेंड मैंने मिला दिया है इसमें। अब जो लास्ट जो बचता है फ्रेंड, ये जो है बीच वाला ग्लास है, इसमें मैं डालूंगा नकली इंजन ऑयल, जो कि मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा उस कंपनी का। अब जो है बीच वाले ग्लास में मैं डालता हूँ नकली इंजन ऑयल, उसके बाद इसका कलर और इन सबका कलर में आप खुद पे खुद आपको दिख जाएगा फ्रेंड, देख सकते हो। जैसे कि मैंने डाल दिया फ्रेंड, उसके बाद इसको भी हल्का सा मिला लेना है। इसको 5 मिनट के लिए से मैं वैसे छोड़ देता हूँ फ्रेंड। लगभग 5 से 7 मिनट हो चुका है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। सबसे पहला जो था फ्रेंड आपका जो मोटुल का था, तो मोटुल का ये वाला जो ग्लास था मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे फ्रेंड, आपको चेक करना है, यहाँ से चेक करना है फ्रेंड। आप देखोगे इसकी जो लाइनिंग है फ्रेंड, ये बिल्कुल ही और बिल्कुल फ्रेंड जो इसकी लाइनिंग है कलर वाला है फ्रेंड, ठीक है, हल्का सा लाइटली है फ्रेंड। तो ये जेन्युइन की पहचान यही होता है फ्रेंड, बिल्कुल ही गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही हल्का हल्का फीका है फ्रेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो है फ्रेंड गाढ़ा नहीं हुआ इंजन ऑयल जमा नहीं फ्रेंड, ठीक है। एक होता ना कि आप अगर नकली इंजन ऑयल डाल देते हो तो एक ही जगह जाके जम जाता है, ये वैसा नहीं हुआ है, फैल गया, मतलब ये जेन्युइन है। सेम वैसे फ्रेंड आप इसमें भी देखोगे फ्रेंड, सर्वो के इंजन ऑयल में भी ये भी हल्का हल्का आपको फीका देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रेंड, ठीक है, हल्का सा लाइटली आपको देखने को मिलेगा। तो ये होती है
जैनमन की पहचान फ्रेंड। नेक्स्ट जो है वो है कैस्ट्रोल एक्टिव का, जो कि इसमें भी आपको वो जो है आपको रेड कलर का आता है तो आपको लाल में ही दिखेगा फ्रेंड, इसमें भी वैसे ही है, रेड कलर का जो लाइनिंग है वो जम चुका है यहाँ पे लाइटली है, सेम वैसे ही है, जेन्युइन इंजन की पहचान यही होता है। इसकी भी जो कलर है यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल ही लाइटली, ऐसा लगेगा कि हल्का सा आपको लाइट यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ये जेन्युइन इंजन की पहचान में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। लास्ट जो मैं आपको बताया था वो था HP का हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, सेम वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो इसमें भी आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, हल्का सा लाइटली है, ठीक है फ्रेंड। लास्ट में जो फ्रेंड जो बचा था इंजन ऑयल वो था नकली इंजन ऑयल, जो कि मैंने नाम नहीं बता पाया फ्रेंड, ठीक है, वो जो इंजन ऑयल था ये था, ना ही मैं आपको फोटो दिखा पाया फ्रेंड, क्योंकि आप खुद बे खुद आप अपने घर पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड। मैं किसी कंपनी को अच्छाई और बुराई नहीं कराता फ्रेंड, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंजन ऑयल आप डलवा सकते हो, आप अपने बाइक में डलवाते हो फ्रेंड। ये जो इंजन ऑयल फ्रेंड आप देखोगे बिल्कुल ही यहाँ पे लाइनिंग आप देखोगे गाढ़ा है, ठीक है, अब प्लस में फ्रेंड ये एक जगह बैठ चुका है फ्रेंड, जो इंजन ऑयल है एक जगह बैठा है, अब देखोगे फ्रेंड, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कोई सा भी आप इंजन ऑयल इसमें से उठा के देख लो, देखो फ्रेंड असली और नकली इंजन ऑयल की पहचान कुछ इस तरीके से होता है, ये जो है असली इंजन ऑयल है, ये जो है नकली इंजन ऑयल है। तो असली इंजन ऑयल की पहचान ये होता है फ्रेंड कि ये जो ऑयल होता है एक जगह जमता नहीं है फ्रेंड, जैसे कि एक जगह जम चुका है, गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल ही, ठीक है, असली इंजन ऑयल बिल्कुल आपको साफ दिखेगा, हल्का सा लाइटली आएगा, लेकिन नकली इंजन ऑयल की पहचान ये होता है वो आपका जो कलर होता है बिल्कुल ही जल्दी छोड़ देता है पानी में, जैसे कि ये जो इंजन ऑयल है ये अपना कलर छोड़ चुका है, बिल्कुल ही फैल जाता है पानी, थोड़ा सा आप पानी उसमें डालोगे तो जो कलर होता है वो फैल जाता है और बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इंजन ऑयल है फ्रेंड ये है नकली इंजन ऑयल, इसकी पहचान इस तरीके से किया जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो आप अपने घर पे खुद ब खुद घर आप अपने घर पे कर सकते हो कि कौन सा इंजन ऑयल आप डलवा रहे हो, क्या वो असली है या नकली है, ठीक है। तो एक बार आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें फ्रेंड, क्योंकि इसमें कोई मैंने फ्रॉड नहीं बताया मैंने फ्रेंड, इससे अगर आपको लगता है तो आप अपने घर पे भी खुद ब खुद आप कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।